वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ दिस चैनल जिसका नाम है मॉडर्न टैक्सिला डेवलप योर विजन। तो आज मैं लेकर आया हूँ सीटिंग अरेंजमेंट लेक्चर टू। तो चलिए देख लेते हैं पिछला क्लास में हम लोग ने किया क्या था। पिछला क्लास में हम लोग ने किया था ट्रायंगुलर अरेंजमेंट, क्वाड्रिलेटरल अरेंजमेंट, पेंटागोनल अरेंजमेंट, हेक्सागोनल अरेंजमेंट और ऑक्टोगोनल अरेंजमेंट हम लोग ने कर लिया था। ठीक है, ये सभी अरेंजमेंट के जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो सेम रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ अलग होगा शेप के अनुसार। शेप अगर ट्रायंगुलर तो ट्रायंगुलर, शेप अगर क्वाड्रिलेटरल होगा क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल अलग से कुछ बोलेगा नहीं, या तो बोल देगा स्क्वायर या तो बोल देगा रेक्टेंगल। ठीक है, ये जो मैंने करवाया ये क्वाड्रिलेटरल अरेंजमेंट, रेक्टेंगल व स्क्वायर, ये मैंने बैंक का नजरिए से करवा के रखा है क्योंकि बैंक में बहुत सारे एग्जाम ही आते हैं, बैंक के सारे एग्जाम ही लगभग आते हैं। ठीक है, इसके बाद पेंटागोनल अरेंजमेंट, हेक्सागोनल और ऑक्टागोनल। लास्ट जो बचा हुआ है हम लोग का वो है सर्कुलर अरेंजमेंट और लीनियर अरेंजमेंट। इनमें से सर्कुलर लीनियर दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आज सर्कुलर और लीनियर अरेंजमेंट के जो भी टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो हर टाइप आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले चलिए देख लेते, तो पहले क्या है टाइप वन। टाइप वन में क्या है, टाइप वन में है आइदर ऑल ऑफ देम फेसिंग सेंटर और फेसिंग आउटसाइड। फेसिंग सेंटर और फेसिंग आउटसाइड मतलब मान के चलिए अगर एक गोल टेबल है, सर्कुलर टेबल गोल है, गोलाकार टेबल है, उसके बीच में जो पोजिशन है मान के चलिए ओ क्या है सेंटर है। या तो सभी व्यक्ति ओ का के तरफ बैठेंगे, सभी व्यक्ति का मुंह ओ के तरफ होंगे फेसिंग द सेंटर, या ऑपोजिट हो सकते हैं मतलब फेसिंग आउटवर्ड ओ के विरुद्ध, मतलब जो भी होगा सबका सेम होगा। ऐसा नहीं कि एक जन का अंदर एक जन का बाहर। अगर सब लोग अंदर बैठे हुए मतलब फेसिंग द सेंटर, मान के चलिए हम लोग जब गोल टेबल में बैठ के, खास करके कभी भी अगर आप लोग रेस्टोरेंट में जाएंगे वहां पे अगर टेबल गोलाकार है मतलब सर्कल है, तो हम लोग जब बैठते हैं तो हम लोग का मुंह सेंटर की तरफ होता है। ठीक है, या कभी कभी हम लोग क्या करते, जब खाना पीना हो जाता है तो टेबल का मुंह, चेयर का मुंह घुमा लेते, घुमाने के बाद का तो आउटसाइड हो जाता है। तो यह दो ऑप्शन, यहाँ पे दो चीज हो सकता है, या तो ये वाला ए ऑप्शन आ सकता है ए टाइप, या तो बी टाइप। ठीक है, लेकिन एक चीज नोटिस कीजिए इस टाइप में क्या, इधर ऑल ऑफ देम फेसिंग, ऑल जो भी व्यक्ति मतलब मान के चलिए कभी कभी बोलेगा 8 फ्रेंड्स 6 फ्रेंड्स 7 फ्रेंड्स। ठीक है, अब कितना फ्रेंड्स है वो तो निर्भर करता है एग्जाम में कौन क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि 8% सीटिंग 7% सीटिंग या 6% सीटिंग, वो तो संख्या आपको एग्जाम में क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा, उस हिसाब से आप लोग को करना है। लेकिन एक चीज जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ अच्छे से कि वो है कि सबका मुंह एक ही है, सबका मुंह का जो डिरेक्शन है, जो लोग बैठा हुआ है सेंटर फेसिंग तो सेंटर फेसिंग, आउटसाइड तो आउटसाइड। तो चलिए अब क्वेश्चंस को समझते हैं क्या बोला गया है। जिस अगर आप लोग मेरा पहला वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको पहला वाला लेक्चर को देखिए, उसके बाद ये लेक्चर देखने आइएगा, नहीं तो आप लोग को समझ में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। अचानक से ये क्या, ये पिछला लेक्चर का कंटिन्यूएशन है। तो जो लोग मेरे पिछला लेक्चर को नहीं देखे है, पिछला वीडियो सिटिंग अरेंजमेंट का जो वीडियो मैंने दिया है आज से 10 दिन पहले शायद दिया होगा, वहाँ पे जो वीडियोज है वहाँ पे मैंने अच्छे से समझा दिया था कि सिटिंग अरेंजमेंट होता क्या है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। और एक चीज मैंने वहाँ पे बोला था, लेफ्ट राइट का एक मैंने कॉन्सेप्ट दिया था कि एरो जब अगर आपके डिरेक्शन में होगा तो आपका लेफ्ट एरो का लेफ्ट, आपका राइट एरो का राइट। अगर एरो का डिरेक्शन आपसे अगेंस्ट में होगा तो आपका लेफ्ट एरो का राइट आपका लेफ्ट। ठीक है, तो ये जो चीज मैं इतना फास्ट बोल पा रहा हूँ लेकिन वहां पे मैंने एकदम अच्छे से धीरे धीरे समझाया है, तो मैं चाहूंगा कि उस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और मेरे कई सारे वीडियोस इस चैनल में अवेलेबल है, आप लोग अच्छे से ध्यान से सभी वीडियोस को देखिएगा। तो क्या होगा, अभी जो एग्जाम आने वाले है जैसे CGL आने वाले है, CHSL आने वाला है, ESIC मार्च में होगा, उसके बाद RBI का फॉर्म फिलअप चल रहा है, तो बीच बीच में मैं वीडियो में ये सब इन्फॉर्मेशन आप लोग को देते रहूंगा ताकि कोई भी अगर एग्जाम हो सके उसका जो फॉर्म फिलअप चल रहा है वो चीज़ आप लोग भर सके, इसीलिए बीच बीच में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं देते रहूंगा। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं पहले। PTVRMDK and W, P1 T 2 V 3 R 4 M 5 D 6 K 7 W 8। तो मैंने क्या किया, काउंटिंग भी किया, नाम भी कर लिया। तो क्या देखिए कितना अल्फाबेट से यहाँ पे P T V R M D K and W। तो पहले आप लोग लिख लीजिएगा जो भी दिया गया है अल्फाबेट को, पहले लिख लीजिएगा साइड में, जब रफ में इसको सॉल्व करेंगे तो काउंट कर लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इतना मुझे पता चल गया कितना जन है, यहाँ पे 8 जन है। अच्छा इसको मिटा देते, जगह थोड़ा कम है, तो आप लोग को पता चल गया 8 जन है यहाँ पे, जगह कम है इसलिए मिटा मिटा के कर रहा हूँ, नहीं तो जब हम लोग कॉपी में करेंगे
तो आप लोग एक टॉप में वो लिख के रखिएगा, ठीक है। गोल टिक से बनानी है, ठीक है। तो अब 8 जन है तो फेसिंग द सेंटर है, तो सबका फेस सेंटर वाइज पहले ही ड्राइंग कर लीजिएगा। ऐसे मैं आप लोगों को सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करेंगे, ठीक है। अब वी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, वी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी मतलब एक तो हो सकता है कि हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, चलिए देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। वी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, वी क्या है, वी लेफ्ट का बाई ओर है, सेकेंड पोजिशन में बाई ओर, किसका ना लेफ्ट टी का। उसके बाद टी जो कि एम का फोर्थ में है वो भी राइट मतलब दाई ओर, वो बाई ओर था अब ये दाई ओर हो गया। लेफ्ट मतलब बाई, राइट मतलब दाई। डी एंड पी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ टी, तो देखिए मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन समझ में कुछ आ नहीं रहा, तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू ही करते हैं, उसके बाद आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा, आपको कहीं से ना कहीं स्टार्ट करना होगा। देखिए कभी कभी क्या होता है कि शुरू का लाइन से भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे वी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, तो पहले टी को लेंगे क्योंकि टी बोल दे, तो टी का नजरिए से हम लोग को शुरू करना है। तो टी का लेफ्ट क्या, देखिए अब एरो, देखिए ये जो एरो है काला एरो और लाल का जो एरो दोनों को कंपेयर कीजिए, ये एरो जो ये आपका डायरेक्शन के हिसाब से, तो आपका लेफ्ट एरो का लेफ्ट, आपका राइट एरो का राइट, तो आपका लेफ्ट जो हुआ उसका सेकेंड पोजिशन 1 2, तो यहाँ पे हो गया वी। देखिए बहुत आसानी से हम लोग कर लिए। इसके बाद क्या बोला है, टी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एम, टी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एम। चलिए एक चीज आप लोग को समझा देते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को क्वेश्चन तो मतलब क्वेश्चन का जो आंसर सीट है, हम लोग को जो आंसर सीट दिया जाएगा जहाँ पे हम लोग रफली सॉल्व करेंगे, उसको घुमा घुमा के भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को सिखा दे रहा हूँ इससे क्या होगा आप लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे। मान के चलिए अभी समझाने का खातिर, ये एम है, एम का एरो आपके हिसाब से है मतलब आप जिस डिरेक्शन में वीडियो देख रहे हैं उसी डिरेक्शन में एम का एरो है, तो एम का लेफ्ट क्या होगा, आपका लेफ्ट, एम का राइट एरो का राइट, तो आप एम का राइट में क्या है, टी है, तो टी एम का राइट में हो गया। तो इतना दूर तो यही बोला है कि एम का राइट में टी है वो भी फोर्थ मतलब 1 2 3 4। अब इसी चीज को हम लोग को क्या करना होगा, डायग्राम में बिठाना होगा। कैसे करेंगे, हम लोग का तो टी दे दिया गया, हम लोग कैसे बिठाएंगे। अच्छा अगर एम के राइट में टी है, अब मैं बोल रहा हूँ टी का नजरिए से देखते, चलिए अब हम लोग नजरिए को बदलते हैं, हम टी का नजरिए से देखते, टी का नजरिए से एम क्या होगा, टी का नजरिए से एम लेफ्ट होगा। अगर एम का नजरिए से टी राइट में है तो टी का नजरिए से एम लेफ्ट में होगा। अब कितना पोजीशन में है, 1 2 3 4, तो ये जो चीज बोला है टी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ एम, इसका मतलब ये है कि एम टी का लेफ्ट में है। अगर टी एम का राइट में है तो एम टी का लेफ्ट में है, तो क्या होगा, 1 2 3 4 हो गया एम। तो देखिए बहुत आसानी से हम लोग कर लिए। डी एंड पी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ टी, डी और पी इमीडिएट नेबर्स ऑफ पी ऑफ टी नहीं है, मतलब क्या है, यहाँ पे और यहाँ पे कौन नहीं बैठेगा, यहाँ पे और यहाँ पे डी और पी नहीं बैठेगा, एक तो यहाँ पे बैठ सकता है डी, या तो डी यहाँ पे बैठ सकता है, मैं डी को लेके मान के चल रहा हूँ, उसके बाद मैं पी में आऊंगा, क्योंकि क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ पी, तो जैसे ही डी का पोजिशन निर्धारण हो जाएगा, डी का पोजिशन हम लोग निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिक पी का भी पोजीशन निकल जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग सब एक साथ करने जाएंगे, सबका पोजीशन एक साथ निकालने के लिए कोशिश करेंगे तो हॉचपॉच हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा, फिर हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य भी रखना पड़ता है, खास करके इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्या यहाँ पे बोल दिया, डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ पी, अगर डी पी का राइट में थर्ड है तो डी का लेफ्ट में क्या होगा, पी होगा, डी का लेफ्ट में थर्ड। अभी कुछ देर मैंने समझा है कि अगर मान के चलिए ये पी है, पी का राइट में क्या है, पी का राइट में डी है, तो डी का लेफ्ट में पी हो गया। तो देखिए जैसे ही ये वाला चीज समझ गया, यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर दे रहे, अगर डी पी का राइट में होगा तो पी डी का लेफ्ट में होगा, अब पोजिशन सेम रहेगा, थर्ड है तो थर्ड ही होगा, तो पी क्या होगा, पी डी का लेफ्ट में होगा थर्ड। अब देखते ये लेफ्ट है ये राइट है, अगर मैं ये मानता हूं तो ठीक है, तो 1 2 3 यहाँ पे डी होगा, यहाँ पे पी होगा, यहाँ पे पी नहीं होगा, अगर इस यहाँ पे डी को मान लेते, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे डी का पोजीशन को मान लेते तो इस हिसाब से डी का लेफ्ट कौन सा, ये वाला, और डी का राइट ये वाला जो मैंने ब्लैक से फिर से लिख दिया, तो थर्ड बोला है, तो 1 2
थ्री, पर यहाँ पे ऑलरेडी पी बैठा हुआ है, सॉरी 1 2 3, यहाँ पे बैठ नहीं सकता है पी, क्योंकि बोला है ना कि पी टी का बगल में नहीं बैठ सकता है। डी एंड पी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ टी, तो ऑब्वियसली क्या होगा, डी यहाँ पे नहीं बैठा तो डी यहाँ पे बैठ गया, तो ये वाला पोजिशन डी का एकदम सेटिस्फाई। अब डी का लेफ्ट कौन सा होगा, अब क्योंकि अरे उलट गया है तो डी का लेफ्ट, आपका राइट वाला डी का लेफ्ट और आपका लेफ्ट डी का राइट, क्योंकि एरो उलट जा रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरा पिछला वीडियो देखने के बाद ये वीडियो देखने आई है, नहीं तो आप लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत होंगे। तो अब क्या होगा, पी यहाँ पे बैठ गया, हो गया। लास्ट क्या बोला है, पी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के का इमीडिएट लेफ्ट में है, यहाँ पे के बैठेगा, ये लेफ्ट ये राइट, यहाँ पे के नहीं हो सकता है क्योंकि राइट में हो गया, इमीडिएट लेफ्ट बोला है तो ये नहीं हो सकता है, तो देखिए ये पॉसिबिलिटी संभव नहीं है। तो कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे के बैठ गया, यहाँ पे के बैठ गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ ताकि आप समझने में थोड़ा आसानी हो, ठीक है। तो देखिए अब मिल गया हम लोग को, बाकी क्या है कि डी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, अब बचा क्या है, W और M। W इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P, W यहाँ पे नहीं बैठ सकता, अभी बोल दे कि W यहाँ पे नहीं बैठेगा, इमीडिएट नेबर मतलब एकदम बगल में नहीं बैठेगा, यहाँ पे W नहीं होगा तो W यहाँ पे हो गया, तो बचा का जगह, बचा जगह पे क्या बैठेगा, जो बचा हुआ है वो है R। देखिए तो पोजीशन हम लोग को मिल गया, हु इज टू द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ के का सेकेंड लेफ्ट में कौन है, ये लेफ्ट है ये राइट है, ये जो आप लोग को समझ में लेफ्ट राइट ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग को धीरे धीरे और अच्छे से आ जाएगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, सिर्फ मेरा वीडियो देखने से नहीं होगा, समझने से भी नहीं होता है, उसको अप्लाई करना पड़ता है। जब तक आप लोग उसको अप्लाई करना नहीं सीखेंगे तो एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन ये हो गया और सेकेंड पोजीशन, तो सेकेंड लेफ्ट में कौन है, के का आर है। तो चलिए आप लोग को समझ में आया होगा कि सर्कुलर अरेंजमेंट में कैसे करती है, मैंने ये मेनली प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चंस लिया है, प्रीलिम्स बैंकिंग हो, SSC CGL हो, प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चंस, क्योंकि मेंस लेवल का क्वेश्चंस थोड़ा टफ होता है, पहले आसान से शुरू करते फिर धीरे धीरे जैसे आप लोग का डिमांड होंगे, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि मेंस के लिए लाने के लिए तो हम लोग मेंस के लिए भी लेक्चर्स लाएंगे, लेकिन पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग पहले प्रीलिम्स को अच्छे से क्लियर कीजिए, क्योंकि अभी प्रीलिम्स क्लियर करना थोड़ा सा टफ हो चुका है, खास करके कोविड के बाद कॉम्पिटिशन थोड़ा कठोर हो गया है, तो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया। अब देखिए सर्कुलर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या बोला है, सर्कुलर अरेंजमेंट पे अब टाइप टू बोला है, सम ऑफ देम फेसिंग सेंटर एंड सम ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड, कोई फेसिंग सेंटर कोई फेसिंग आउटसाइड, मतलब यहाँ पे पहले पढ़ लेते क्या बोला है, यहाँ पे बोला है वी यू एंड टी आर सीटिंग अराउंड द सर्कल, ठीक है, ए बी एंड सी आर सीटिंग अराउंड द सेम सर्कल, ए बी और सी बी वही सर्कल में बैठे हैं, बट टू ऑफ देम आर नॉट फेसिंग द सेंटर, लेकिन दोनों सेंटर फेसिंग नहीं कर रहे, तो इतना मतलब हम लोग को पता चल गया कि कितना जन बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, तो पहले काउंट करके देख लीजिएगा कितना जन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो रफली लिख लीजिए, 6 जन बैठा है, तो सर्कल ड्रॉ करते जल्दी। अच्छा मेन चीज है कि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, जल्दी जल्दी ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जल्द स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा 6 जन बैठा है, अब यहाँ पे हम लोग एरो का मुंह डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि 6 जन में से 2 जन, 6 जन में से 4 जन सेंटर फेसिंग है, वी यू टी सेंटर फेसिंग है, और ए बी सी में 1 जन सेंटर फेसिंग, बाकी 2 जन आउटसाइड फेसिंग। अब ए बी सी में कौन सेंटर फेसिंग है और कौन आउटसाइड फेसिंग है हम लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन बोल दे वी यू और टी ये दोनों फेसिंग द सेंटर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये जब चीज क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग शुरू कैसे करेंगे, पिछला क्वेश्चन में तो बहुत आसान था क्योंकि सब लोग का डिरेक्शन सेम था, सर्कल का सेंटर में फेस कर रहे, ये सर्कल का सेंटर है वो फेस कर रहे, लेकिन अभी कुछ जन अंदर फेस कर रहे, कुछ जन बाहर फेस कर रहे, मतलब या तो मुंह अंदर की तरफ होगा सर्कल का या बाहर की तरफ, 6 जन में 4 जन अंदर की तरफ 2 जन बाहर की तरफ, कैसे करेंगे। अच्छा पहले पढ़ लेते हैं, देख लीजिएगा, पहले हम लोग को क्या करना है, रीडिंग देना है बहुत जल्दी से कि क्या बोलने वाला है, क्या बोला गया है क्वेश्चन में, कि V is second to the left of C, V जो है V,
सी का लेफ्ट में है, यू इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, यू ए का राइट में है वो भी सेकेंड पोजिशन में, बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, बी टी का लेफ्ट में है और थर्ड पोजिशन में, और सी टी का राइट में है सेकेंड पोजिशन में। ए और सी आपस एक साथ नहीं बैठ रहे, नॉट सिटिंग टूगेदर, मतलब अगल बगल नहीं बैठे। तो देखिए मैंने ये तो आप लोग को समझा दिया क्वेश्चन, लेकिन कैसे करेंगे, पढ़ के तो कुछ समझ में नहीं आया होगा जाहिर बात है यहाँ पे, तो मतलब कैसे शुरू करेंगे। पहला पिछला जो मैंने अभी कुछ देर पहले मैंने डिस्कस किया था पहला टाइप का क्वेश्चन में, मैंने फर्स्ट लाइन से शुरू किया था, यहाँ पे भी अगर वही लॉजिक अप्लाई करेंगे क्वेश्चन बन जाएगा, बनेगा नहीं ऐसा बात नहीं, बन जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो जल्दी कैसे करेंगे, इसके लिए भी एक उपाय मैं आप लोग को बता देता हूँ कि कैसे करेंगे। अच्छा बीच बीच में मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूँ एक्स्ट्रा जो लाइन कलर है जो मैं समझाने के लिए पहले ड्रॉ किया था, बीच बीच में मैं मिटा दे रहा हूँ इसीलिए ताकि हॉचपॉच ना हो जाए, आप लोग को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो देखिए एक चीज आप लोग नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे देखिए टी ये वाला लाइन और काला वाला से जो लिखा है, दोनों में टी है, मतलब अगर टी का पोजिशन मुझे पता है, टी का जो मुंह होगा वो सेंटर होगा, तो मैं टी ले लिया। अच्छा हम लोग उसी मेंबर से स्टार्ट करेंगे या उसी लाइन से स्टार्ट करेंगे जो इन्फॉर्मेशन एकदम कंफर्म दिया गया है क्वेश्चन में, कंफर्म मतलब कंफर्म दे, उसके उससे शुरू करेंगे। एक जगह से शुरू करने के बाद धीरे धीरे देखिएगा आप लोग, अभी तक आप लोग समझ में आ गया होगा कि एक के बाद एक आप लोग को कनेक्ट करना है स्टेटमेंट, जैसे हम लोग कनेक्ट स्टेटमेंट कनेक्ट करना सीख जाएंगे तो जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो आ रहा है वो भी ऑमिट होते जाएगा, और धीरे धीरे जो पॉसिबिलिटी एग्जामिनर ने दिया गया है पर्टिकुलर वही अरेंजमेंट आपको अल्टीमेटली लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टी बोला है, टी का पहले काला वाला लाइन ये वाला, बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, बी इज थर्ड, देखिए एरो, देखिए ये एरो जो है ये एरो आपके तरह, मतलब आपका लेफ्ट एरो का लेफ्ट, आपका राइट एरो का राइट, इतना बार बोल रहा, आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। जो लोग शुरू से मेरा वीडियो देख रहे होंगे, अगर दोबारा से मेरे वीडियो देख लेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि एरो अगर आपके डिरेक्शन में होगा तो आपका लेफ्ट एरो का लेफ्ट, आपका राइट मतलब एरो का राइट। ठीक है, अब बोला है लेफ्ट में थर्ड लेफ्ट, मतलब 1 2 3, मतलब यहाँ पे भी, और क्या बोला है, सी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, टी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, मतलब ये लेफ्ट राइट है सेकेंड, मतलब 1 2, मतलब सी मिल गया मुझे, बी और सी मिल गया। अच्छा ए एंड सी नॉट सिटिंग, अब मुझे वी का पोजीशन निकालना है, ये वाला लाइन देखिए, वी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, अब देखिए फर्स्ट लाइन में मैं लौट के जा रहा हूँ, वी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अच्छा अब मुझे सी का तो एरो का मुंह पता नहीं कि सी का मुंह अंदर होगा या बाहर होगा, ये मुझे पता नहीं, ये मैं कैसे डिसाइड करूंगा, तो पहले चलिए एक पॉसिबिलिटी लेते, अगर सी का मुंह अंदर हुआ, अगर सी का मुंह सर्कल का तरफ हुआ तो ये वाला लेफ्ट होगा, ये वाला राइट होगा। ठीक है, बोला क्या, वी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, तो अगर सी का मुंह अंदर तरफ तो ये वाला लेफ्ट जो मैंने काला से ड्रॉ किया है तो सेकेंड, मतलब 1 2, यहाँ पे वी कैसे बैठेगा, ऑलरेडी तो टी बैठा हुआ है, तो टी का अगर सी का मुंह अंदर तरफ हुआ तो टी के जगह वी बैठ जाएगा, लेकिन मैंने फिर से बताया वही कि कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा तो वो पॉसिबिलिटी कैंसिल, इसका मतलब सी का मुंह अंदर के तरफ नहीं है, सी का मुंह बाहर के तरफ, अब सी का मुंह बाहर के तरफ मतलब उलट जाएगा, लेफ्ट की जगह राइट आ जाएगा, राइट की जगह लेफ्ट आ गया। अब देखिए सेकेंड लेफ्ट मतलब 1 2, यहाँ पे वी आ गया, तो अब मुझे पता चल गया कि बी ए बी सी में कौन बाहर के तरफ है, सी बाहर के तरफ है, इसका मतलब बी ए वाला ऑप्शन गया और डी ई भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या बचा है मेरे पास, सी ए और बी सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फेसिंग सेंटर। अब यहाँ पे शुरू में बोल दिया था कि ए बी सी में दो जन सेंटर फेसिंग नहीं, अब वही आपको निकालना है कि कौन जो दो जन सेंटर फेसिंग नहीं है, तो कैसे करेंगे, अब हम लोग को सिर्फ और सिर्फ यू और ए का पोजिशन निकालना, अगर ए का डिरेक्शन निकल गया तो ऑटोमेटिक बी का निकल जाएगा। चलिए फिर से मिटा दे रहा हूँ, अब देखिए अब दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा बोला है यू इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, यू इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, अच्छा ए और सी एक साथ नहीं बैठा है, ए और सी एक साथ नहीं बैठा है तो इसका मतलब यहाँ पे ए नहीं होगा, ए यहाँ पे होगा, और मुझे पता चल गया यू कहाँ पे होगा, जो जगह बचा हुआ है यहाँ पे यू हो गया,
लेकिन यू का डायरेक्शन भी मुझे पता है, वी का डायरेक्शन भी पता है, मुझे किसका डायरेक्शन निकालना है, मुझे ए का या बी का, कोई एक। अच्छा ठीक है, अब ए का से निकालेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला यू इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। अगर मान लेते कि ए का पोजीशन टूवर्ड्स द सेंटर है, मान लेने में क्या जाता है, मुझे तो पता नहीं, एक तो पॉसिबिलिटी लेके करना ही पड़ेगा, लेफ्ट राइट सेकेंड पोजीशन बोला यू इज सेकेंड मतलब 1 2। तो देखिए ए का पोजीशन मिल गया, अब मैंने राइट से शुरू किया था, मैंने ए का डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर माना था, मैं चाहता था आउटसाइड द सेंटर भी कर सकता था, तब क्या होता, अगर मैं आउटसाइड सेंटर पकड़ के करता तो पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं होता, ये वाला जो पॉसिबिलिटी बोला यू इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, क्योंकि तब ए का एरो अगर बाहर की तरफ होता तब उस टाइम लेफ्ट क्या होता, उस टाइम राइट ए वाला पोजीशन होता, मतलब यू यहाँ पे बैठना, लेकिन यू यू तो यहाँ पे बैठ नहीं सकता, ऑलरेडी बी बैठा हुआ है। तो इसीलिए अगर आप लोग दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी ड्रॉ करके शुरू करेंगे तो देखिएगा, अगर वो पॉसिबिलिटी क्वेश्चन के साथ मैच नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रोडिक्ट होगा, मतलब क्वेश्चन का कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, और आप लोग समझ जाएंगे कि वो वाला अरेंजमेंट एग्जामिनर ने नहीं दिया है, जो वाला आपने नहीं पकड़ा था वही वाला दिया, और वही वाला आपको करना पड़ेगा। ये तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ए को इंटरनली पकड़ लिया था कि ए का डिरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर है, उसलिए लग गया, अगर नहीं लगता तो मैं पहले आउटसाइड को लेके करता, आउट दी सेंटर, मतलब मैं समझाने का कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैंने ए का डिरेक्शन को मान लिया टूवर्ड द सेंटर और लग गया क्वेश्चन का कंडीशन के साथ मैच हो गया, लेकिन मान के चलिए जो कैंडिडेट अगर ए का डिरेक्शन को आउटवर्ड मान लेंगे तो क्या होगा, उस वक्त होगा कि ये जो कंडीशन है यू इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, ये वाला कंडीशन फॉलो नहीं होगा, इसका मतलब ये कैंसिल हो गया, तो ऑटोमेटिकली जो वाला आपने नहीं पकड़ा था वही वाला होगा। ठीक है, तो आप लोग जैसे भी कीजिएगा अल्टीमेटली अरेंजमेंट यही आएगा। तो अब कौन सा अगर ठीक है, चलिए इतना दूर अगर समझ में आया, तो अब देखिए बोले कि बी क्या होगा, आउटसाइड द सेंटर होगा, क्योंकि ए बी और सी में, ए बी और सी में ए टूवर्ड्स द सेंटर है, ठीक है, ए अगर टूवर्ड्स द सेंटर है तो बाकी आउटवर्ड्स होगा, क्योंकि सी ऑलरेडी मैंने निकाल चुका है, ए का निकल गया, तो बचा क्या, बी का बचा था, तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी। मैं इतना टाइम इतना डिटेल्स में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, नहीं तो ये बहुत जल्दी हो सकता है, मतलब मैक्सिमम 30 या 60 सेकेंड्स में हो सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं, ये इजी लेवल का क्वेश्चन है। लास्ट में आते हैं लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट में देखिए डिरेक्शन ऑफ फेस इज नॉट स्टेटेड इन दी क्वेश्चन, यहाँ पे डिरेक्शन ऑफ फेस बोला नहीं गया है, अगर जब बोला नहीं गया तो आप लोग को कुछ मान के करना पड़ेगा, तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, नॉट डिरेक्शन लेके शुरू करते हैं। और हाँ एक चीज यहाँ पे बोल दूँ, लीनियर अरेंजमेंट में चार डिरेक्शन होंगे, ठीक है, या तो नॉर्थ फेसिंग, साउथ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग, वेस्ट फेसिंग, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट फेस, वहां पे टूवर्ड्स द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर का बात कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो ओपन है, लीनियर है एकदम स्ट्रेट लाइन में, तो ठीक है हम लोग नॉट मान के चलेंगे, क्यों नॉट मान के चलेंगे, जब भी डायरेक्शन नहीं दिया गया वाई वी विल कंसिडर नॉट, इसका कारण एक ही है, क्योंकि नॉर्थ में क्या होता है, आपका लेफ्ट एरो का लेफ्ट, आपका राइट एरो का राइट, इसीलिए नॉर्थ डायरेक्शन मान के चलेंगे, अगर साउथ डायरेक्शन मान के चलते तो थोड़ा उलट जाएगा, आपका लेफ्ट एरो का राइट आपका लेफ्ट, ठीक है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, उसीलिए इसी मेथड से करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। अब चलिए एक एरो ड्रॉ कर लेते हैं, बीच बीच में मैं मिटा रहा हूँ, इसका कारण ये है कि जगह मेरा थोड़ा कम है, ठीक है, उसीलिए हॉचपॉच ना हो जाए, उसीलिए मैं बीच बीच में मिटा दे रहा हूँ, आप लोग जब वीडियो सुनेंगे तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि मेरे जो शब्द है जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही कंसंट्रेट से, कंसर्न मतलब फोकस से सुनिएगा, कंसंट्रेशन 100% होना चाहिए, तो क्या होगा जिस लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये जो बात मैं बोल रहा हूँ वो बहुत ही सोच समझ के बोल रहा हूँ, ताकि आप लोग को वीडियो समझ में आए कि मैं समझाने क्या चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा वीडियोज है, आप क्यों देखेंगे मेरे वीडियो, ऑलरेडी सीटिंग अरेंजमेंट के 10 बारह वीडियो आप सर्च मारिएगा सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट देकर, तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे, तो ऐसा क्या खासियत है मेरे वीडियो में कि आप लोग देखिएगा, ये तो एक जाहिर सा क्वेश्चन मन में आ ही सकता है, उसका कारण यही है कि मेरे वीडियो आप जब देखेंगे जो मैं बात कर रहा हूँ वो एकदम एग्जाम प्रस्पेक्टिव है, मैं किसी के वीडियो को बुरा भला नहीं कर रहा, सबका अपना अपना स्टाइल है, ये मेरा खुद का स्टाइल है, मैं उसी मतलब स्टाइल में ही समझा रहा हूँ, ताकि एक ही मोटिव है कि आप लोग का जो ये जो बहुत स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट सर टफ है टफ है, कुछ
कुछ टफ नहीं है, ठीक ठाक अगर आप लोग घर में प्रैक्टिस करेंगे तो क्रैक हो सकता है। जो लोग को बैंक में नौकरी मिल रही है उन लोगों को कैसे मिल रहा है, वो लोग को भी टफ लगा होगा, लेकिन बाद में वो लोग जैसे समझ गए कि ये इसका टेक्निक क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो लोग फिर रिगोरस प्रैक्टिस किए होंगे, उसके बाद वो लोग भी एग्जाम में सॉल्व किए। तो अगर आप लोग उस चीज को समझ गए तो आप लोग खुद ब खुद एक दिन एक्सपर्टाइज हो जाएंगे और क्रैक हो जाएगा। चलिए देख लेते। तो सी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो ये सी लेफ्ट ऑफ बी है, बी का लेफ्ट क्या होगा, ये बी का लेफ्ट है, ये लेफ्ट ये राइट, ठीक है। मैंने जानबूझ के ड्रॉ एरो ड्रॉ किया ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि इतना देर तक मैं समझा रहा आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए था। लेफ्ट मतलब ए वाला साइड, इस एरो का मतलब बी का लेफ्ट में अगर सी है तो सी का राइट में बी होगा, बट ऑन टू द राइट ऑफ डी मतलब सी का लेफ्ट में क्या है, डी है। अगर सी डी का राइट में है, सी का लेफ्ट में क्या होगा, डी होगा। डी इज सिटिंग राइट टू द बी, राइट टू द बी, राइट टू द बी बोला है, तो ए। अब एफ इज सिटिंग राइट टू द डी, राइट टू ई बट लेफ्ट टू डी, मतलब ये एफ डी का लेफ्ट में लेकिन ई का राइट में। और लास्ट में क्या बोले, डी एच इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ई, एच इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ ई। देखिए बहुत आसानी से हो गया। पहले शुरू में आप लोग जब देखे कुछ डिरेक्शन बोला नहीं गया, आप लोग को लग रहा है कि बहुत लंबा है, बहुत ही डीप कॉम्प्लिकेटेड एक अरेंजमेंट बनने वाला है, लेकिन बहुत ही आसान है। एक डिरेक्शन हम लोग मान लेंगे, नॉर्मली जब कुछ डिरेक्शन नहीं दिया रहेगा हम लोग नॉट मान के करेंगे तो क्या होगा, डिरेक्शन लेफ्ट राइट पकड़ने में आसानी होगा। तो अब बोला गया गया कि फाइंड द पर्सन सिटिंग इन द मिडिल, मिडिल में कौन बैठा गया है, मिडिल में कौन बैठा है, मिडिल में डी बैठा है, मिडिल में डी। अब देखिए डिरेक्शन ऑफ फेस इज स्टेटेड इन द क्वेश्चन, डिरेक्शन ऑफ फेस अब स्टेट कर दिया, ठीक है। अब फेसिंग ईस्ट बोला है, जनरली फेसिंग ईस्ट क्वेश्चन आता नहीं है, मैं इसलिए करवा दे रहा हूँ कि थोड़ा सा अनकॉमन टाइप भी करना चाहिए, कौन क्या कह सकता है कि एग्जाम में अनकॉमन टाइप आ गया, क्योंकि अभी एग्जाम का लेवल थोड़ा सा हाई हो चुका है, तो ईस्ट वेस्ट भी फेसिंग हो सकता है, तो मान के चलिए। अच्छा नॉर्थ का मैंने आप लोग को समझा था, नॉर्थ ठीक है, ये लेफ्ट नॉर्थ का लेफ्ट, आपका लेफ्ट नॉर्थ का लेफ्ट, आपका राइट नॉर्थ का राइट। अब ईस्ट जब होगा डिरेक्शन ईस्ट डिरेक्शन में होगा, ईस्ट डिरेक्शन ये है, तो लेफ्ट राइट कैसे पकड़ेंगे, एक काम करते हैं इस एरो को, ये जो एरो है इसको 90 डिग्री घुमा देते हैं। जैसे ही 90 डिग्री आप लोग घुमा देंगे टूवर्ड्स क्लॉकवाइज डिरेक्शन, तो लेफ्ट हो जाएगा नीचे वाला, राइट हो जाएगा नीचे और लेफ्ट हो जाएगा ऊपर। इसका मतलब अगर मैं बोलू कि ये जो डिरेक्शन है, ये जो काला वाला एरो, इसका लेफ्ट मतलब एरो का ऊपर, राइट मतलब एरो का नीचे, तो आप लोग समझ जाइए कि जब भी ईस्ट फेसिंग होगा लेफ्ट ऊपर होगा राइट नीचे होगा। कैसे ना, मैंने नॉर्थ और नॉर्थ डिरेक्शन में जो एरो था उसको जैसे मैंने 90 डिग्री रोटेट किया क्लॉकवाइज डिरेक्शन, लेफ्ट नीचे आ गया, सॉरी राइट नीचे आ गया और लेफ्ट ऊपर चला गया, ठीक है। अगर ये आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट वीडियो को रोक के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पोर्शन को, ठीक है। और पीडीएफ के लिए हम लोग का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, पूरा आप लोग को ये पीपीटी मिल जाएगा, सॉरी पीडीएफ मिल जाएगा इसके, लेकिन विदाउट सॉल्व। क्यों, क्योंकि अगर मैं सॉल्व दे दूंगा तो आप लोग फिर ठीक से कर नहीं पाएंगे। तो एक काम कीजिएगा कि पहले वीडियो को देखने के बाद जो पीडीएफ, मैं चाहूंगा कि आप लोग टेलीग्राम चैनल में जितना जल्दी हो सके जुड़ जाए, जो लोग नहीं जुड़े और हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए, और मैं यही चाहूंगा कि आप लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़िए, जुड़ेंगे तो क्या इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। आप जैसे सभी लोग को पता है कि पीडीएफ मिल जाएगा, तो उस पीडीएफ को आप लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पहले वीडियो देख लीजिए फिर उसके बाद उसको खुद से सॉल्व कीजिए, तो क्या होगा एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। पढ़ाई सिस्टमेटिकली करना चाहिए, तो उससे क्या होता है कि एकदम ठीक ठाक तैयारी अगर ठीक से ना हो तो एग्जाम में आप लोग फिर क्रैक नहीं कर पाएंगे एग्जाम को, और जैसे क्रैक नहीं कर पाएंगे तो आप लोग को बुरा लगेगा, खुद ब खुद अपने ऊपर गुस्सा आएगा कि मैं क्यों क्रैक नहीं कर पा रहा, मेरे कहीं सारे दोस्त कर पा रहे, तो ऐसे बहुत नेगेटिविटी आ जाएंगे। तो अगर सिस्टमेटिकली होगा तो क्या होगा, आप कोशिश किए होंगे, अगर नहीं होगा तो आपको पता होगा कि हाँ मैंने कोशिश किया था लेकिन हुआ नहीं, बैड लक, लेकिन कोशिश में कोई कमी होना नहीं चाहिए। तो चलिए अब क्वेश्चंस को पढ़ते। यहाँ पे क्या बोला है, पवन इज, अच्छा कौन, पांच जन बैठा है, पवन इज टू द लेफ्ट ऑफ तवन, विपिन एंड छवन, इसका मतलब पवन है ये, अच्छा साइड में लिखते,
पवन, ठीक है। अब पवन, तवन, विपिन और छवन के लेफ्ट में है। लेफ्ट मतलब उसी लिए ऊपर मैंने लिखा है। इसका मतलब क्या है? अगर पवन अगर तवन विपिन चवन का लेफ्ट में है, इसका मतलब पवन के राइट में कौन है? तवन है, विपिन है, चवन है, इसलिए मैंने एरो नीचे ड्रॉ किया। तवन, विपिन एंड चवन आर टू द लेफ्ट ऑफ नकुल, नकुल के लेफ्ट में है। तो इसका मतलब ये हो गया नकुल। अब तीनों में से कौन क्या है मुझे पता नहीं। अब बोला क्या है कि छवन इज इन बिटवीन तवन एंड विपिन, मतलब बीच वाला क्या होगा? छवन होगा। अब तवन और विपिन का पोजीशन मुझे निकालना है। विपिन इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, विपिन इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट मतलब ऊपर वाला। 1 2 3 4, ये हो गया, ये हो गया विपिन। मतलब ये वाला क्या हो गया, जो बचा है वो तवन। तो चवन राइट से कितना होगा? चवन राइट से कितना होगा? चलिए दूसरा कलर से यूज करते, काला से। अच्छा पहले इरेज कर लेते ये वाला। अच्छा तवन कैरो ड्रॉ कर लिया। तवन फ्रॉम राइट एंड मतलब नीचे वाला, मैंने बोला था लेफ्ट मतलब ऊपर, राइट मतलब नीचे, मतलब काला से यूज करते हैं। 1 2 3 4, मतलब फोर्थ फ्रॉम द राइट, ठीक है। अगर लेफ्ट बोलता, अगर मान के चलिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर दू, बोलता लेफ्ट, तो ऊपर से काउंट कर, तो ऊपर से कितना पोजिशन में? 2 नंबर पोजिशन में। तो देखिए आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए लेफ्ट का पोजीशन भी दिया हो गया है। तो देखिएगा ऑप्शन, एग्जामिनर जो है ऑप्शन को इस तरह से सेट करता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाए। जिसको समझ में ना आए लेफ्ट और राइट, अगर मान के चलिए वो लेफ्ट के जगह लेफ्ट का पोजीशन, राइट का पोजीशन को राइट के पोजीशन को, राइट के पोजीशन को लेफ्ट मतलब, मतलब नीचे वाला एरो को ऊपर वाला मान लिया, तो उसका हिसाब से सेकेंड पोजिशन में आएगा, तो वो सेकेंड दे देगा। लेकिन एग्जामिनर तो राइट बोला है, मतलब नीचे वाला बोला है, तो इसीलिए लेफ्ट और राइट का पोजिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब एरो फेसिंग टूवर्ड्स द, जब एरो फेसिंग टूवर्ड्स द ईस्ट होगा तो क्या होगा? ऊपर वाला लेफ्ट, नीचे वाला राइट। अगर वेस्ट होगा तो उल्टा, नीचे वाला लेफ्ट, ऊपर वाला राइट। देखिए आप लोग, ये जो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट, एक डिरेक्शन का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को सिखा दिया है, मान के चलिए डिरेक्शन का बेसिस ही बता दिया। आप लोग को सिर्फ और सिर्फ एक चीज करना है कि जो क्वेश्चन बोला गया, जैसे इस तरह से मैंने यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट सिखाया है, वैसे भी वहां पे भी अगर आप लोग डिरेक्शन का जो भी क्वेश्चन से उसको ठीक से लॉजिक में लगाएंगे तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। हालांकि मैं डिरेक्शन का क्वेश्चन करवाऊंगा, एक एक चैप्टर जब मैं समझा रहा उसको पूरा टाइप खत्म कर दूं, ताकि कोई भी चीज इनकम्प्लीट ना रहे। हर वक्त कोई भी चीज आप लोग सीखेंगे, कोशिश कीजिएगा उसको पूरा कंप्लीट सीखिएगा। अगर मान के चलिए अगर कोई भी चैप्टर आप लोग कर रहे होंगे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन, तो पूरा टॉप टू बॉटम पूरा खत्म कर दीजिए। तो अगर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा कि एग्जामिनर कोई भी टाइप दे सकता है, आपको तो पता नहीं है। अब देखिए उसीलिए मैंने अलग अलग टाइप का, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। जनरली मेरा वीडियो इतना लंबा होता नहीं है, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य से, पेशेंस से मेरा वीडियो को देखिएगा, तभी लेकिन फायदा पहुंचेगा। अगर आप लोग नहीं देखिएगा, मैं बोल रहा हूँ, शुरू में लग सकता है कि सर क्या पढ़ा रहे, थोड़ा बोरिंग मोनोपोली लग सकता है, लेकिन आप लोग धीरे धीरे अगर देखिएगा, पहली बार पसंद नहीं आ सकता है, दूसरा बार देखिए, तीसरा बार देखिएगा, धीरे धीरे जैसे खुद ब खुद आप लोग समझ में आए, आप लोग को समझ में आया हो कि मैं करने करने का कोशिश क्या कर रहा हूँ। आप लोग को सिर्फ और सिर्फ समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं आप लोग, कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक राइट डिरेक्शन में उसको समझना है, ठीक है। और हाँ, लास्ट वीडियो में मैंने देखा था एक जन ने कमेंट किया था कि नंबर वाला कराने के लिए, आप लोग प्लीज अगर कोई भी चैप्टर आप लोग को करवाना हो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा एग्जैक्ट उस चैप्टर का नंबर, चैप्टर का नाम, सॉरी चैप्टर का नाम बता दीजिएगा कि कौन सा चैप्टर आप लोग इसके बाद वीडियो चाहते हैं, तो मैं उसी चैप्टर के ऊपर वीडियोस में लाऊंगा। तो आप लोग आपके जो भी सजेशन होंगे, यूजफुल जो भी सजेशन होंगे, आप लोग प्लीज कमेंट में बताइएगा, और कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, तो समझ में आएगा। क्योंकि यूट्यूब में वही मतलब चैटिंग या इंटरेक्शन का वो कमेंट सेक्शन ही होता है, तो अगर वहाँ पे अगर आप लोग इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो कितना अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, या इफेक्टिव हो रहा है कि नहीं इफेक्टिव हो रहा है। आप सभी लोग ने देखे होंगे कि अलम सर ने बहुत सारे वीडियोस दिए होंगे, और आप लोग ने जो प्यार उनके ऊपर बरसा है उसके लिए हम सभी लोग भारी आभारी है।
मैं यही चाहूंगा कि आप लोग इस तरह से, जिस तरह से आलम सर को प्यार करते हैं, इस तरह से हम लोग इंस्टीट्यूट को भी सपोर्ट कीजिए। और आलम सर का एक किताब आ चुका है, मैं खुद भी उस किताब को देखा है, मैंने पढ़ा भी है। तो मैं यही चाहूंगा कि जो लोग आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, अच्छे से उस किताब को खरीद के प्रिपेयर कीजिए। उस किताब का खासियत ये है कि जो भी पॉइंट है बहुत ही बुलेटेड लिस्ट में है, ज्यादा रैंडमली एकदम दिया नहीं गया है, एकदम सिस्टमेटिकली जिसके बाद जो आना होता है उसी हिसाब से दिया गया है, और एकदम एग्जाम परस्पेक्टिव, एग्जाम का नजरिए से ही वो किताब बनाया गया है। तो आप लोग देरी न मत कीजिए, उस किताब को खरीदिए और एक बार रीडिंग देने के बाद आप लोग देखिएगा, समझ में आ जाएगा कि उस किताब का इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए, लीनियर अरेंजमेंट का लास्ट टाइप, इसके बाद एक वीडियो आएगा सीटिंग अरेंजमेंट का, वो है प्रॉब्लम्स। अभी तक मैंने आप लोग ने मेरा पढ़ाना स्टाइल समझ गया होगा, मैं क्या करता हूँ, हर टाइप का सम समझाता हूँ, उसके बाद उसी टाइप का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेता हूँ जो एग्जाम में आ चुका है। तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हाँ, सर जो सिखा रहे हैं वो एग्जाम में आया कि नहीं आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं। टू रो सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, टू रो सीटिंग अरेंजमेंट क्या है? 6 पर्सन एम एन ओ पी क्यू एंड पी आर सीटिंग इन टू रोज विथ 3 पर्सन इन ईच रो, बोथ द रोज आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, क्यू इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, पी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, ओ इज द नेबर ऑफ क्यू एंड डायगनली अपोजिट टू पी, एन इज द नेबर ऑफ आर, हु इज इन फ्रंट ऑफ एन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बोला है टू रो सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, टू रो मतलब ऐसे करके, एक है लेफ्ट इन फ्रंट ऑफ इच अदर, इन फ्रंट ऑफ इच अदर मतलब एक लेफ्ट एक राइट डिरेक्शन। ठीक है, तो पहले क्या बोला है, बोथ द रोज आर इन फ्रंट ऑफ इच अदर, तो चलिए मैंने दो पॉसिबिलिटी ड्रॉ किया है, मैंने दो पॉसिबिलिटी अभी तक ड्रॉ किया, मुझे उसी लिए अगर मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है और भी कुछ पॉसिबिलिटी, उसलिए मैंने जगह छोड़ के रखा, पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे क्या बोला है, क्यू इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, मतलब यहाँ क्यू, यहाँ पे क्यू नहीं बैठेगा, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू नहीं बैठेगा, क्यू यहाँ पे बैठ सकता है और कहाँ पे बैठ सकता है, देखिए उसलिए मैंने दो ड्रॉ किया। तो चलिए अब क्या बोला है, ओ इज द नेबर ऑफ क्यू, ओ क्यू का नेबर है। अच्छा, कलर चेंज करके लिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में, एक ये पॉसिबिलिटी, सॉरी वो एक यहाँ पे हुआ और कहाँ पे हो सकता है ना, क्यू का एक राइट पे हुआ क्योंकि एरो उल्टा है, मतलब आपका लेफ्ट एरो का राइट, फिर से बता रहा हूँ, एरो जब उल्टा होगा आपका लेफ्ट एरो का राइट, आपका राइट एरो का लेफ्ट। ठीक है, अब मैंने लेफ्ट राइट वाला ड्रॉ कर लिया, अब लेफ्ट वाला। ठीक है, क्यू ओ, ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गया, ये क्यू और ओ हो गया। तो देखिए ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम, ठीक है, अब क्यू यहाँ पे इसका लेफ्ट में है, अब एरो आपके हिसाब से, जब ये वाला डायग्राम में हम लोग आ रहे हैं, कौन सा वाला, ये वाला डायग्राम में आ रहे हैं, तो आपका राइट एरो का राइट, आपका लेफ्ट एरो का लेफ्ट, ये सब चीज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सोशली में थोड़ा धीरे धीरे एकदम स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। मैं चाहता तो पहले ही 4 पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर सकता था, लेकिन तब आप लोग को समझ में नहीं आएगा, उसीलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली आप लोग समझ जाए यही मेन चीज है। अब मैंने इस चीज का मतलब इसका दो पॉसिबिलिटी ड्रॉ किया, कौन सा, एक लेफ्ट में है आप, दूसरा राइट में हुआ, तो देखिए 4 पॉसिबिलिटी हुआ, 4 पॉसिबिलिटी हुआ। अब मुझे क्या बोला है कि पी इज, अच्छा, एंड डायगनली अपोजिट टू पी, ओ इज द नेबर ऑफ क्यू एंड डायगनली अपोजिट टू, मैं कौन सा लाइन पढ़ रहा हूँ, मैं ये वाला लाइन पढ़ रहा हूँ, डायगनली अपोजिट टू पी, तो डायगनली अपोजिट क्या होगा यहाँ पे, पी 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 पी, देखिए पी का पोजीशन आ गया।
अब सबसे इंपॉर्टेंट जिससे हम लोग पॉसिबिलिटी, इतना चार पॉसिबिलिटी यहाँ पे चार डायग्राम बनाए, लेकिन एग्जामिनर ने चार डायग्राम नहीं, कोई दो या कोई एक डायग्राम दिया होगा, तो इनमें से बाकी जो डायग्राम है वो उसको कैसे कैंसिल आउट करेंगे। ये जो यहाँ पे ये है मतलब कंडीशन दिया गया है कि पी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, पी आर का लेफ्ट में है और सेकेंड पोजिशन में, तो मान के चलिए अगर लेफ्ट में होगा तो जाहिर बात है ये वाला हो गया, यहाँ पे लेफ्ट में नहीं होगा क्योंकि ये तो राइट हो गया आर का, तो ये वाला पॉसिबिलिटी नहीं होगा, जो नहीं होगा वो मिटा दे रहा हूँ ताकि समझ में आए। और अब देखिए इन दोनों में से एक तो हट गया, अब और एक दो कौन सा, और एक दो ये दो, ये दो में कौन सा हटाएंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे बोला है एरो का पोजीशन उल्टा हो गया, मतलब पी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, मतलब एक आर यहाँ पे बैठेगा, एक बार आर यहाँ पे बैठेगा। अगर हम लोग इसका हिसाब से देखें तो एरो का उल्टा डिरेक्शन मतलब ये वाला राइट होगा, ये वाला लेफ्ट होगा, तो जाहिर बात ये वाला हो गया। लेकिन अगर हम लोग ये वाला मान के चले, इसमें क्या है आर का राइट में पी आ गया, तो ये वाला तो नहीं होगा, बोला है लेफ्ट ऑफ आर होगा, तो कौन सा वाला। कौन सा वाला, तो देखिए इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब क्या बोला है कि एन इज द नेबर ऑफ आर, एन इज द नेबर ऑफ आर मतलब ये वाला, और बाकी जगह पे जो बैठेगा एम। तो देखिए जनरली एग्जामिनर एक ही ये देगा मतलब डायग्राम देगा, लेकिन यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है वहां पे दो डायग्राम बन चुका है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कभी कभी एक दो डायग्राम भी हो सकता है। देखिए हु इज द नेबर इन फ्रंट ऑफ एन, एन के फ्रंट में कौन है, एन के फ्रंट में क्यू है, दोनों में ही देखिए एन के फ्रंट में क्यू है, दोनों डायग्राम लगभग एक ही है, इसको 180 डिग्री घुमा देंगे तो यही आएगा, बोथ डायग्राम आर सेम, बोथ दोनों डायग्राम ही सेम है, इसको 180 डिग्री घुमा देंगे तो नीचे वो वाला दोनों डायग्राम मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद कुछ क्वेश्चन से जो प्रीलिम्स में आए हैं 2017 में वो हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना तक ही, वीडियो को रखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज जो भी आप लोग का सजेशन होगा कमेंट में दीजिए, और जो मैम ने लास्ट वीडियो में कमेंट किया था नंबर वाला, प्लीज आप जो चैप्टर बोल रहे हैं उसका नाम बोल दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर आप एग्जैक्टली बोल रहे हैं। ठीक है, मैं जरूर चाहूंगा उस मैम को ही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप जो चैप्टर बोल रहे हैं वो दोबारा से फिर से बोल दीजिए, अगर नंबर सीरीज है तो कोई बात नहीं, नंबर सीरीज को ऑलरेडी वीडियो मैंने दे दिया है, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है वो बंगाली वर्सन में है, मैं चाहूँ तो मैं कुछ दिन बाद उसको हिंदी वर्सन में लाऊंगा, ऑलरेडी नंबर सीरीज का वीडियो है। अगर आप नंबर सीरीज नहीं तो कोई और चैप्टर बोल रहे तो प्लीज आप चैप्टर का नाम स्पेसिफिकली मेंशन कर दीजिए ताकि समझ में आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।